चाहे सदन बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन सदन में बजट सत्र का अपना ही एक अलग महत्व होता है। अपने अपने क्षेत्र के लोग बजट सत्र में अपनी समस्याएं, भविष्य में खर्च होने वाले व्यय का हिसाब किताब आदि जान सकते हैं। लेकिन अगर बजट सत्र में ही आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि गायब रहें तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसा ही हुआ बाड़मेर में, जब नगर परिषद के बजट सत्र बैठक के दौरान सभी पार्षदों में से सबसे बेहतरीन पार्षद अगर उभर कर सामने आए तो वो थे तरुण कुमार। इनको बेहतरीन कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनाब बैठक शुरू होने के 2-2.5 घंटे बाद वहाँ पहुँचे, तब तक बैठक समाप्त होने की कगार पर थी। जब हमने उनसे पूछा कि आपको जनता ने चुना था कि आप जनता की बातों को, अपने वार्ड की बातों को आगे तक ले जाएंगे, लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक में आपका इस वक्त आना क्या ठीक है, इस पर उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई। अब जनता खुद ये सोचे कि जिन लोगों को उन्होंने चुना, वो लोग अगर इस तरह से जनता के मुद्दे, जनता की बातें नकार कर इतना देरी से ही पहुँचेंगे तो उनसे भला क्या उम्मीद की जाए। बाड़मेर टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरुण कुमार है। और आप किस वार्ड से आते हैं पार्षद? यहाँ वार्ड संख्या 28 से हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आज वार्ड में यहाँ जो बजट की मीटिंग थी उसमें क्या हुआ? मैं थोड़ा लेट आया, लेकिन अभी तक बजट मीटिंग चल रही है, जो भी होगा मैं बता। सर, उसमें आधे से ज़्यादा जो मुद्दे हैं वो तो खत्म हो चुके हैं, हम कई काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, टाइम पर नहीं आ पाने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, टाइम पर नहीं आ पाने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, टाइम पर नहीं आ पाने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।